हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा हॉल आपके साथ शेयर करूँगी, और ये होने वाला है होम डेकोर हॉल। तो होम को सजाना किसे नहीं पसंद है, तो होम डेकोरेटिंग आइटम बाय किया है तो आपको जरूर से जरूर ये पसंद आएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें प्रोडक्ट है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, ज़्यादा प्राइस है बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज का हम हॉल देखते हैं। उससे पहले क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग में कर चुकी हूँ, जैसा कि मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करती हूँ अनबॉक्सिंग, मैं आप अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर करती हूँ तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग मिल जाएगा इसका। तो मैं इसका अनबॉक्स कर चुकी हूँ गाइस। तो इसमें आपको ये है, तो ये कुछ इस टाइप का फर्स्ट प्रोडक्ट है, जो इस टाइप का होम डेकोरेटिव आप बस आपके पास इस टाइप का रहना चाहिए तब बनेगा। टांगने के लिए भी आपको ये मिल जाता है कील, तो इस टाइप का कील मिल जाता है। एंड इसके बाद गाइस इसमें आपको साथ में आपको लाइट मिलता है, जो कि मेन पार्ट यही है। मुझे लाइट के कारण मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लाइट लगाने के बाद ही आपको बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसका दिखा दूंगी आपको बारीक से। तो मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखाती हूँ, जो हुक है ना, मैं इसके साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी कील यहाँ पर नहीं है, मेरे पहले से ही कोई भी कील नहीं है, तो मैं यहाँ पर बस वही अप्लाई की हूँ जो मैंने हुक लिया था। इसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी हुक को भी, और बहुत इजी होता है ये हुक के साथ। आपको कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चीज़ हैंगिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपको हर जगह कील कितना आप मतलब लगाएंगे वॉल में, तो बिना कील का ये आप इस टाइप से कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसका थ्रेड जो है बहुत अच्छा क्वालिटी है, ये देख सकते हैं कील मैंने इस टाइप से कोई नहीं ठोका हुआ है, यहाँ पर बस वही हुक को अप्लाई किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से दीवार में वो अच्छे से चिपक जाता है। तो काफ़ी ईजी टू यूज है, काफ़ी अच्छा है। कोई भी चीज़ आप उसमें टांग सकते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग, और ये वुड जो है इसका काफ़ी अच्छा है, वुड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सा वुड है। और इसमें वाइट कलर का ये थ्रेड से किया गया है, तो काफ़ी इस पर देख सकते हैं आप कुछ भी डेकोरेटिंग का यहाँ पर सामान रख सकते हो। मैं यहाँ पर ये फ्लावर पॉट रख रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा लुक लगता है, और पूरा डार्क करेंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। मैंने डार्क करके नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये इसमें लाइट लगा हुआ है ना, इसके कारण बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ, इसका मैं अनबॉक्सिंग नहीं की थी, इसका अनबॉक्सिंग क्या करना है। तो इसमें एक्चुअली ये इस टाइप का आपका हुक जो होता है वो है, तो मुझे इसमें 10 रिसीव हुए हैं। एक्चुअली ये हुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हाउस के लिए। इसे भी आप कभी भी इसे कहीं भी आप इसे प्लेस कर सकते हो इस टाइप की दीवार पे, एंड इसमें आप कुछ भी टांग सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप हर जगह आप कील नहीं ठोक सकते हो ना दीवार पे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है। ये इस टाइप का प्रोडक्ट है कि आपका वॉल पे बिल्कुल आपका जितना वेट इसमें रख सकते हो, इसमें तो लिखा हुआ 10 kg, इसमें 10 kg वेट आप इसमें डाल सकते हो, 10 kg का इसमें हैंग कर सकते हो वेट का सामान, तो 10 kg का सामान का यहाँ पर हैंग कर सकते हैं हम लोग। ये इस टाइप का है, ये वॉल में चिपक जाता है और काफ़ी अच्छा है। मुझे मैं इसका मैंने यूज भी किया, इसलिए मैं मंगाई हूँ इसे, मैं आपको दिखाऊँगी आगे। इसको कुछ स्टेप से हटा देना होता है, देन इसको वॉल पे आपको चिपका देना होता है। तो ये काफ़ी यूज का है, सभी के पास ये जरूर होना। तो मैं इसका दिखा देती हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें पता है मैं कोई भी चीज़ जैसे हैंग करना है तो हम इजी वे में हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये दीवार में बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 10 kg तक इसमें हैंग कर सकते हो। आप ये देख सकते हो इसमें था 10 पीस, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए पीसेस तो वो भी वहाँ पर मिलेगा, आप और सर्च कर सकते हो वहाँ पर। मैं आपको लिंक कैसे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जितने प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सारा लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टील का है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। पता नहीं इसमें क्या पीछे से किस टाइप से इसमें गम यूज़ किया गया, जो काफ़ी अच्छा एकदम चिपक जाता है, बिल्कुल नहीं हटता है, क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सभी के यूज के लिए, बिकॉज पता है हम लोग हर जगह कील नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है यूज करने के लिए, हैंग करने के लिए। सो चेकआउट आप कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस, मैं आपके साथ थर्ड प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि ये है बहुत ज़्यादा प्यारा नेचुरल लुक देने वाला ये प्लांट है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इसका इस टाइप से लीफ है ना, गिरता हुआ लीफ इस टाइप से है ना, जैसे गिरता हुआ, जैसे लग रहा है कि एकदम रियल का ही लीफ है, आप देख सकते हो। इसको मैं हैंग करके दिखाऊंगी तो और भी अच्छे समझ में आएगा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ छोटा सा फ्लावर पॉट है, ये देखिए,
और ये अंदर कुछ इस टाइप से आपको रहता है। तो आप इस प्लांट को वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ आप नेचुरल प्लांट नहीं ला सकते हो, तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये आर्टिफिशियल प्लांट। अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट बाय करना चाहते हो तो ये लीफ वाला बाय कर सकते हो, होम डेकोर के लिए बहुत ही अमेजिंग है। वैसे तो हम नेचुरल प्लांट यूज़ करते ही घर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको आर्टिफिशियल का भी जरूरत है तो आप इसे बाय कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा लीफ है ये। सो ये कुछ इस टाइप से है, तो मैंने इसे हैंग किया है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मैं इसे चेंज करते रहती हूँ, वही मैं यहाँ पर आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। वैसे मेरे और भी वीडियो में आप देखे होंगे, मेरा जो है बालकनी में भी मैं इसे हैंग कर सकती हूँ, या फिर आप डाइनिंग एरिया में हैंग कर सकते हो, जहाँ आप चाहो वहाँ पर हैंग कर सकते हो। सो अब मैं आपसे लास्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये आपको कील इसमें भी ज़रूरत नहीं है, ये भी जो है वॉल में ही चिपकता है, आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको चिपकाना होता है वॉल में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप अपने मैं यहाँ पर बाथरूम बेसिन के पास मैंने इसे लगाया हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप इसे कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, बालकनी या बाथरूम कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप चाहे इसमें फ्लावर पॉट डालो, या फिर आप अपने बालकनी में डालो, या फिर आप अपने बेसिन एरिया के पास। मैंने बेसिन एरिया के पास रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने हैंड वॉश लिक्विड एंड जितने भी आपके ब्रश है, टूथब्रश रख सकते हो, एंड फेस वॉश लिक्विड, हैंड वॉश सभी रख सकते हो। इतना चीज़ आपको इजी वे में आता है, और इसमें कोई भी कील की जरूरत नहीं होती है, बस आपको वॉल में ही चिपकाना होता है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, क्योंकि हर जगह हम कील नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सो इसलिए मुझे बेस्ट लगा। तो आपको ये भी मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये छोटू सा हॉल वीडियो पसंद आया होगा। और सो गाइस, अगर थोड़ा सा भी आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, सो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से आप। और ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो से आप टेक केयर, बाय फॉर वॉचिंग।